तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की विधि काफ़ी दिनों से चलती आ रही है और काफ़ी सारी मूवीज़ को बॉयकॉट भी किया गया है, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा हो गया या फिर कोई दूसरी मूवीज़ हो गई। तो अब इसके चंगुल में इंडियन आइडल 13 भी आ चुका है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इंडियन आइडल एक फेक रियलिटी शो है और हमें बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। दरअसल हुआ ये कि इंडियन आइडल में रितो रिबा नाम के कंटेस्टेंट आए जिन्होंने अपना गाना गाया, जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा और जजेस को भी काफ़ी अच्छा लगा। अपना प्यार का इजहार कुछ इस तरह। तेनू धूप लगे आवे तो मैं छाव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। यही मेरी आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूँ, तेरा बन के रहूँ सदा मैं परछावा। तू मेरी हीर में तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी है। तू मेरी हीर में तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, मैं एक प्यासा तू नीर बन जा सोनी है। करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी है। एक्सेप्शनल टैलेंट, इस बार का टैलेंट कमाल है यार। मैं तो समझता था कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी अच्छा करते हो यार। थैंक यू सो मच। क्या बात है रितु, के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू मैम। क्या बात है रितु, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत प्राउड। और मुझे लग रहा है जब आप गा रहे होगे ना, तो जो मेरे रोहू यहाँ पे बैठे हैं ना, वो टीवी पे जब आपकी परफॉर्मेंस देख रहे होंगे तो वो बहुत ही ब्लश करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर दैट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी रिजल्ट तो नहीं दे पाएंगे, बट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। लेकिन हाल ही में इंडियन आइडल 13 की टॉप 15 की लिस्ट आई, जिसके अंदर रितु रिबा का नाम शामिल नहीं था, तो ये ऑडियंस देखकर काफ़ी नाराज़ हुई। और नाराज़ होने वाली बात भी, क्योंकि रितु रिबा इतना अच्छा उन्होंने गाया तो उनको ज़रूर सिलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह एक विनीत सिंह नाम के सिंगर को सिलेक्ट कर लिया गया, जो कि आपको बता दें वो पहले इंडियन आइडल के रनर अप रह चुके हैं, जिन्होंने खिलाड़ी 786 और प्रेम रतन धन पायो जैसी बड़ी फिल्मों में गाना भी गाया हुआ है। तो इतना पे हुए रितु रिबा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और उनकी पोस्ट पर नीचे इंडियन आइडल के जज विशाल डडलानी ने भी कमेंट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपको रिकॉर्डिंग करने का भी मौका दूंगा। तो दोस्तों, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि इंडियन आइडल एक फेक है, और ये विशाल डडलानी जी को भी पता है, इसलिए वो इस बात को छुपाने के लिए वो ऐसा लिख रहे हैं कि मैं आपको रिकॉर्डिंग का मौका दूंगा। तो दोस्तों, अगर वो लोग ऐसा नहीं लिखते तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आइडल को बॉयकॉट करना ही पड़ता। इसलिए विशाल डडलानी ने इतना अच्छा कमेंट किया था कि लोग शांत हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना आप दोस्तों के साथ मत भूलना। तो चलिए, बाय।